डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। आज अपन मोलस्का के कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। मोलस्का जो फाइलम है वो इनवर्टिब्रेट्स का सबसे दूसरा बड़ा फाइलम है, यानी आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है और आर्थ्रोपोडा के बाद में आता है मोलस्का। तो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये इनवर्टिब्रेट के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का, जिसका अपन कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो यह कि मोलस्का का नाम किसने दिया? मोलस्का का नाम दिया था जॉनसन ने, 1950 के अंदर जॉनसन ने इसका नाम दिया मोलस्का। एक दो टर्म्स लिख रखी है अपन ने यहां पे, एक तो है मालकोलॉजी। मालकोलॉजी का मतलब वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर अपन मोलस्का का अध्ययन करते हैं। सेकेंड अपने यहां ब्रांच देख रखी है कॉनकोलॉजी। कॉनकोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, जो मोलस्का के जो कवच होते हैं बाहर की जो सेल होती है उनकी स्टडी को अपन कहते हैं कॉनकोलॉजी। मोलस्का का मतलब होता है, मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीज। सॉफ्ट बॉडीज है क्योंकि मोलस्का के ज्यादातर एनिमल्स है उनके ऊपर कवच पाया जाता है, शेल पाया जाता है, और उस सेल के नीचे एक कवरिंग और होती है जिसको अपन मेंटल या परवार बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई भी अगर ये पूछे कि मोलस्का का सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टर अभिलाक्षणिक लक्षण कौन सा है, तो वो उसका कवच नहीं है, शेल नहीं है, वो उसका मेंटल है, परवार है। क्योंकि वो मेंटल या परवार है वो सभी मोलस्का के अंदर पाया जाता है। कवच जरूरी नहीं है कि सभी मोलस्का के अंदर पाया जाए, सेल है वो जरूरी नहीं है कि सभी मोलस्का में पाया जाए, जबकि उनका जो मेंटल है, परवार है, वो सब में पाया जाता है। तो कवच के नीचे क्या होता है? मेंटल, और मेंटल के बाद में नीचे बॉडी के अंदर बॉडी होती है। तो ये मान लीजिए उसकी बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर एक आवरण होता है जिसको अपन बोलते हैं मेंटल, और फिर उसके बाद में होता है शेल। तो ये मेंटल जो है यही जो अपना स्राव स्रावित करता है, सीक्रेशन जो स्राव करता है उसी के द्वारा क्या बनता है? सेल का निर्माण होता है, इनके ऊपर ये कवच पाया जाता है। लेकिन मेन जो कैरेक्टर है वो है मेंटल का कैरेक्टर है। 80,000 लिविंग स्पीसीज पाई जाती है मोलस्का के अंदर, लगभग 80,000 है वो लिविंग स्पीसीज पाई जाती है। अब इनका अपन कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए मोस्टली मैराइन, ज्यादातर मोलस्का का एनिमल्स क्या है? मैराइन है। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं कुछ, और कुछ है वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, स्थलवासी भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, त्रिजलस्तरीय होते हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम तीनों लेयर पाई जाती है इनमें। बायलेटरल होते हैं ये, मोलस्का के जंतु में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अनसेगमेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में अपन ने क्या देखा था? आर्थ्रोपोडा के अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड पाया जाता है जंतु, लेकिन यहां पर बॉडी है वो सेगमेंट नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है। सिलोमेटी होते ही होते हैं, सिलोमेट में पाई जाती है, सॉफ्ट बॉडी जो है ये। नेक्स्ट देखिए आप, कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल, इनके ऊपर है वो अधिकांश के ऊपर क्या पाया जाता है? शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है। और इंटरनल शेल फाउंड इन लोलिगो, ऑक्टोपस और शेल एब्सेंट, यानी कुछ जंतुओं के अंदर शेल एब्सेंट भी हो सकता है, कुछ में एक्सटर्नल होता है और कुछ में इंटरनल होता है। तो यानी यहां पर जो शेल पाया जाता है, जैसे इंटरनल शेल किसमें पाया जाता है? लोलिगो में, और ऑक्टोपस के अंदर क्या पाया जाता है? इंटरनल शेल होता है, और कुछ जंतुओं के अंदर शेल एब्सेंट होता है, जैसे यूनियो और पाइला है, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। बॉडी डिवीजन, यहां पर शरीर का अगर विभाजन देखें, जैसे अपन कहते हैं हेड, ट्रंक और टेल, तीन भागों में अपन डिवाइड करते हैं जैसे, तो यहां पर बॉडी को किस में डिवाइड किया गया? हेड में, फुट में और विसरल मास में। एक हेड है, एक मेन पार्ट है वो फुट है, और जो तीसरा पार्ट है वो क्या? विसरल मास, यानी उसके आंतरांग, शरीर के अंदर जितने भी पाए जाने वाले जो अंग है उनको अपन ने क्या कहा? विसरल मास। बॉडी कवर्ड बाय मेंटल, बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है? मेंटल, ये इसका पिक्यूलियर कैरेक्टर है मोलस्का का। इट सीक्रेट्स सेल, और यही क्या सीक्रेट करता है? सेल का निर्माण यही मेंटल करता है। हेड बियर आई टेंटेकल सेंस ऑर्गन, यानी हेड के ऊपर क्या पाए जाते हैं? आई भी पाई जाती है, टेंटेकल्स भी पाए जाते हैं, और सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। लेकिन दो क्लास है, पेलेसिपोडा और स्केफोपोडा, इनके अंदर क्या होता है? हेड है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, तो टेंटेकल्स और ये आई है उनमें एब्सेंट होती है।
फुट पर जेड, प्रत्येक एनिमल के अंदर फुट पाया जाता है यहाँ पे मोलस्का के अंदर, और वो फुट है वो अडेप्टेड होता है अलग अलग प्रकार से, जैसे क्रीपिंग के लिए, रेंगने के लिए अडेप्टेड होता है, कुछ में बरोविंग बिल बनाने के लिए होता है, कुछ में स्विमिंग के लिए भी वो फुट है वो मॉडिफाई होता है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे मोलस्का के अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है, जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है और जो आर्टरी जो वेन है उनकी संरचना एक्चुअल ब्लड और आर्टरी की जैसे नहीं होती है, लेकिन यहाँ अपवाद है सिफिलोपोडा, सिफिलोपोडा के अंदर क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर हीमोसाइनिन होता है, जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा, पल्मोनरी शेक के द्वारा और मेंटल के द्वारा होता है। यहाँ पर गिल्स को टिनिडिया भी बोलते हैं, टिनिडिया। तो रेस्पिरेशन मोलस्का में किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा, पल्मोनरी शेक के द्वारा और मेंटल के द्वारा। जैसे अपन ने पाइला पढ़ा है, तो पाइला के अंदर क्या देखा कि जो जब ये स्थल पे होता है, जमीन पे होता है, बाहर होता है ये, तब क्या है उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? पल्मोनरी शेक के द्वारा। और जो पानी में होता है तब किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है रेडुला प्रेजेंट एक्सेप्ट पेलेसिपोडा, पेलेसिपोडा ग्रास को छोड़ करके सबके अंदर रेडुला पाया जाता है। रेडुला क्या होता है? फीडिंग ऑर्गन है इसके अंदर, जो भोजन जिसके ऊपर छोटे 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 दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, और वो भोजन को कुतरने का काम करते हैं। ऑस्पिरिडियम इन मेनी एनिमल्स, अधिकांश जंतुओं के अंदर ऑस्पिरिडियम पाया जाता है। ऑस्पिरिडियम एक कीमो रिसेप्टर है जो अंदर प्रवेश करने वाले पानी की रासायनिक जांच करता है। ऑस्पिरिडियम सेंस ऑर्गन है ये। एक्सक्रीशन यहां पर मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होता है, इसको अपन किडनी भी बोल सकते हैं, कई बार इनको ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं या कैपर्स ऑर्गन भी बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या कैपर्स ऑर्गन, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं। और क्लीवेज है यहाँ पर स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का होता है। जो विदलन है वो सर्पिल प्रकार का और निर्धारी प्रकार का होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब जिसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, इनडायरेक्ट में लार्वा अवस्था पाई जाती है। और जब यहाँ पे लार्वा पाए जाते हैं मोलस्का के अंदर, तो एक तो ट्रोकोफोर होता है, एक ग्लोचिडियम होता है और वेलिजर होता है। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के लार्वा है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मोलस्का के मेन मेन कैरेक्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट अपन आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से किया है। यहाँ पर अपन जो क्लासिफिकेशन ले रहे हैं वो मोर्टन का ले रहे हैं, और उसमें छह क्लासेज में इसको डिवाइड किया है। अपन एक एक क्लास को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा। दूसरी क्लास है एम्फीनिरा, एक है गेस्ट्रोपोडा, एक है सिफेलोपोडा और एक है बाइवाल्विया, एक है एम्फीनिरा। तो इस प्रकार से छह क्लास है। सबसे पहली क्लास लेते हैं मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा का अर्थ है मोनो का मतलब सिंगल, प्लेक्स का मतलब होता है प्लेट, और फेरिंग का मतलब होता है बियरिंग, यानी एक ऐसा सेल पाया जाता है इसके अंदर, इसका जो कवच होता है वो सिंगल प्लेट का बना होता है, सिंगल प्लेट का बना होता है, सिंगल वाल्व होता है वो, यानी यहां पर सिंगल पीस ऑफ सेल पाया जाता है। सेल जो होता है इसका जो कवच होता है उसका एक ही पीस पाया जाता है, मोनोप्लेकोफोरा, एक ही प्लेट का बना हुआ इसके अंदर सेल पाया जाता है, सिंगल वाल्व बोल सकते हैं अपन उसको, सिंगल वाल्व सेल होता है। मेराइन, ये मराइन है, यानी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। सारे के सारे जंतु इस क्लास के किस में पाए जाते हैं? समुद्रीय पानी में मराइन होते हैं ये। तीसरा हेड विदाउट आई एंड टेंटिकल, इसके हेड के ऊपर आई और टेंटिकल से वो अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है फूट विद एड मसल्स, इसके फूट के अंदर है वो आठ मजबूत मसल्स पाई जाती है, और इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो 5 to 6 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर गिलों की संख्या कितनी होती है? 5 से लेकर 6 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, और जो नेफ्रिडिया है वो 6 पेयर पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया यहाँ पर 6 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया प्रजन पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है यहाँ पे, और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, यानी जो मोनोप्लेकोफोरा है उसके अंदर जो जंतु पाया जाता है उसका नाम है नियोपिलिना,
नियोपिलिना इसका एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल क्या होता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और मोलस्का के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। सॉरी, ये आर्थ्रोपोडा नहीं है, यहाँ पे एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक होता है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1950, इस एनिमल को सबसे पहले 1950 में कोस्टारिका में वो पाया गया था, ये पहचाना गया था। एक तरीके से ये लिविंग फॉसिल्स है, यूनिसेक्सुअल्स होते हैं और ये इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा पाए जाते हैं। तो इसका नाम मोनोफोर एकोफोरा है, वो फर्स्ट मतलब रिसेंटली क्रिएटेड क्लासेज है, इस क्लास को रिसेंटली अभी बनाया है, किसको, मोनोप्लेकोफोरा को। और इसकी विशेषता, जो मेन विशेषता है वो क्या है कि इसमें पाया जाने वाला जंतु है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। यहां पे देखिए नियोपिलिना के अंदर, यहां पे कि अपन ने क्या बताया, लार्वा कौन सा बताया, ट्रोकोफोर, और एनिलिडा के अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो ये करेक्ट तरीके से उसका है। इसी तरीके से देखिए यहां पर नेफ्रिडिया है, सिक्स पेयर ऑफ नेफ्रिडिया है, एनिलिडा के अंदर खूब सारे उत्सर्जन के लिए वो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। आगे की क्लास में आप देखोगे वन और टू पेयर या केवल एक ही नेफ्रिडिया या बेटा नेफ्रिडिया या ऑर्गनोबोजिनस जिसको बोलते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्टर है वो किसके हैं, एनिलिडा के भी है और आर्थ्रोपोडा के भी है। तो ये एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है, किसके, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है, नियोपिलिना। नेक्स्ट आता है एम्फीन्यूरा, क्लास एम्फीन्यूरा, इसके जंतु भी क्या है, मैराइन है। सेल कंसिस्ट ऑफ एट प्लेट ऑफ डोर्स ऑन डोर्सल साइड, इनका जंतु का जो सेल होता है, बाहर का जो कवच होता है, उस कवच का जो डोर्सल साइड होता है वो आठ प्लेट्स की बनी होती है। इस प्रकार से जैसे ये जंतु है और उसके ऊपर इस प्रकार से आठ है वो प्लेट पाई जाती है, आठ प्लेट पाई जाती है, इस पर आठ प्लेट पाई जाती है, ये इसकी विशेषता होती है। अब एम्फीन्यूरा, एम्फी का मतलब बोथ, दो, यहां पे दो से है एम्फीन्यूरा। तो इस क्लास का सबसे इंपोर्टेंट कैरेक्टर क्या, देखिए टू लेटरल एंड टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसमें दो लेटरल और दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, या यूं कह सकते हैं नॉन गैंग्लियोनेटेड टू पेयर ऑफ नर्व है। इसके अंदर नर्व जो होती है उसके टू पेयर्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर गैंग्लियोन नहीं होते हैं, यानी जो नर्व कॉर्ड है या जो नर्व कॉर्ड है वो क्या, टू पेयर पाए जाते हैं, टू पेयर ऑफ नर्व, नॉन गैंग्लियोनेटेड टू पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड, टू पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड, दो पेयर नर्व कॉर्ड पाई जाती है इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या है, एम्फीन्यूरा। और उस नर्व कॉर्ड के ऊपर कोई भी गैंग्लियोन नहीं होता है। रिड्यूस्ड हेड, यहां पर हेड है वो काफी हासित होता है, रिड्यूस्ड होता है। फुट यहां पर भी लार्ज होता है, फ्लैट होता है और काफी मस्कुलर होता है। वन और मोर पेयर ऑफ गिल्स, यहां पर गिल्स की संख्या कितनी होती है, एक या एक से खूब सारी अधिक होती है। और यहां पर क्या आपने क्या बताया, फाइव फोर सिक्स पेयर। रेडुला प्रेजेंट, फीडिंग ऑर्गन यहां पर भी रेडुला है वो प्रेजेंट होता है, और ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी यहां पर पाया जाता है। ये इसका एग्जांपल है नियोमेनिया, नियोमेनिया काइटन ऐसा होता है लगभग, तो काइटन पाया जाता है। एक होता है कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा इसको सीबीएफ भी बोलते हैं, एडिबल है ये, खाने योग्य होता है ये, इसको लोग बाग खूब है वो चाव से खाते हैं। तो ये है कीटोप्लूरा सीबीएफ, समुद्री मांस भी बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये दो क्लास है, एम्फीन्यूरा, मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास है स्केफोपोडा, अपनी तीसरी क्लास है स्केफोपोडा। सबसे पहले अपने लिया था मोनोप्लेकोफोरा, सेकेंड अपने पढ़ा एम्फीन्यूरा, अब थर्ड क्लास है स्केफोपोडा। स्केफा का मतलब होता है बोट, पोडोस का मतलब होता है फुट, यानी यहां पर जो फुट होता है वो बोट शेप होता है, नौकाकार होता है। इस स्केफोपोडा क्लास के जंतु भी मैराइन होते हैं। सेकेंड कैरेक्टर सेल का देखिए, यहां पर ट्यूबुलर सेल होता है ओपन एट बोथ एंड, यानी इन जंतुओं के अंदर जो सेल होता है, बाहर का जो कवर होता है वो इस प्रकार से ट्यूबुलर होता है,
इस प्रकार से ये ट्यूबुलर सेल होता है इसके ऊपर, और यहां से थोड़ा जंतु है वो बाहर निकला रहता है, और ये जो सेल है वो दोनों साइड से ओपन होता है। ये डेंटेलियम है। इस क्लास का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? डेंटेलियम। इस डेंटेलियम को एलिफेंट टस्क सेल भी बोलते हैं। हाथी के दांत के जैसा दिखाई देता है ये, तो एलिफेंट टस्क सेल। तो यहां पर जो ऊपर का सेल है, जो कवच है स्केपोपोडा के अंदर, वो क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, और वो दोनों साइड से वो ओपन होता है। तो इस प्रकार का इसके अंदर सेल पाया जाता है। हेड एब्सेंट, यहां पर हेड एब्सेंट होता है। तब हेड एब्सेंट है तो यहां पर आई और टेंटिकल्स भी है वो प्रेजेंट होते हैं। जो माउथ होता है उसके चारों तरफ है वो टेंटिकल्स नहीं होते यहाँ पे। फुट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे फुट क्या है? कॉन्सेप्ट है, शंकुआकार होता है, और वो डिगिंग खोदने के लिए वो एडेप्टेड होता है। अपने जब कैरेक्टर पढ़े थे उस समय भी बताया था कि यहाँ पर जो फुट है वो अलग अलग टाइप से वो मॉडिफाइड होता है, तो यहाँ पे डिगिंग के लिए मॉडिफाइड होता है। रेगुलर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फोई फीडिंग ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पे। गिल अब्सेंट होते हैं यहाँ पे। इसकी विशेषता देखिए, यहाँ पे गिल अब्सेंट है। तो फिर रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? मेंटल के द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है। किडनी पेड है यहाँ पे, जो यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं इसको, किडनी भी बोल सकते हैं, वो पेड है। और यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, और ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। और यहाँ पर जो लार्वा होता है उसका नाम क्या है? ट्रोकोफोर भी लार्वा पाया जाता है, और विलीजर लार्वा भी पाया जाता है। नेक्स्ट चौथी क्लास अपन लेते हैं, फोर्थ क्लास लेते हैं, गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली यानी स्टमक, और पोडोज का मतलब फुट, यानी इसका जो फुट है वो लगभग जो स्टमक की पोजीशन है वहां पर उसका फुट है वो पाया जाता है। गैस्ट्रोपोडा जंतु जो है वो मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और ये कुछ इनके जंतु है वो इकाइनोड्रम्स के ऊपर एक्टोपेरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए, अभी तक जो अपन ने क्लास पढ़ी थी उनमें सब में अपन ने मेराइन पढ़ा था कि मेराइन वाटर में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा के अंदर फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मेराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल स्थल पे भी पाए जाते हैं, और एक्टोपेरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं, बाह्य परजीवी के रूप में। इन जंतुओं की एक विशेषता देखिए, यहाँ पे टोर्जन पाया जाता है। टोर्जन का मतलब ये होता है कि जब इनका डेवलपमेंट जो स्टेज होती है, जब इसका परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, तो जो जंतु है वो 180 डिग्री के ऊपर है वो ट्विस्ट करता है ये, और उस ट्विस्ट के कारण वो पूरा का पूरा जंतु और शैल वो आपस में इस तरीके से टोर्जन घूमे हुए होते हैं, और उस टोर्जन की वजह से जो हेड है उसी के पास में इसका फुट आ जाता है। हेड और फुट दोनों इसके नजदीक होते हैं, किसकी वजह से? इस टोर्जन की वजह से। और दूसरा, इस टोर्जन की वजह से क्या होगा कि मोलस्का जो के जो जंतु होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनके लार्वा में तो बायलेटरल सिमेट्री है। किसमें? गैस्ट्रोपोडा क्लास में लार्वा में तो बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन टोर्जन के कारण क्या होगा, इसकी सिमेट्री है वो लॉस्ट हो जाती है, और वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। जंतु है वो अडल्ट है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, किसकी वजह से? टोर्जन की वजह से, जबकि लार्वा इनका बायलेटरल होता है। तो ये इस गैस्ट्रोपोडा क्लास की विशेषता होती है कि यहाँ पे इनका जो कवच और जंतु दोनों में टोर्जन होता है डेवलपमेंट के दौरान। यद्यपि इनका जो सेल होता है वो यूनिवाल्व होता है, एक ही वाल्व है, कोई छिद्र नहीं है उसके अंदर। कुछ जंतुओं में एक छिद्र पाया जाता है, अम्बिलिकस बोलते हैं जिसको, इसलिए उसको परफोरेटेड सेल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल है वो क्या है? यूनिवाल्व है, और वो स्पाइरली कोइल्ड है। ठीक है, कुछ इस क्लास के जंतु ऐसे भी है जिनमें सेल प्रेजेंट अब्सेंट भी हो सकता है। हेड डिस्टिंक्ट, यहां पर हेड एकदम से क्लियर होता है, जिसके ऊपर टेंटिकल्स, माउथ और आई पाए जाते हैं। फुट वेंट्रल साइड में होता है, और उस वेंट्रल साइड में जो फुट होता है उसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है जिसको अपर कुलम बोलते हैं। उस अपर कुलम को जब ये खोल देता है तो फुट है वो और माउथ दोनों बाहर आ जाते हैं और जंतु चल सकता है। तो यहां पर फुट वेंट्रल साइड में होता है, ब्रॉड होता है, फ्लेट होता है और मस्कुलर होता है। रेस्पिरेशन यहाँ पे गिल्स के द्वारा और पल्मोनरी शेक के द्वारा और मेंटल के द्वारा होता है। जब जंतु पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा, और जब स्थल पे रहता है तो पल्मोनरी शेक के द्वारा होता है, और मेंटल भी हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। एक सिंगल नेफ्रिडिया पाया जाता है जिसको अपन कैबस ऑर्गन भी बोल सकते हैं और बोजेनस का ऑर्गन भी बोलते हैं। रेडुला यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है,
इन अभी चारों क्रॉस में अपन ने रेडुला प्रजेंट बताया, यहां पर भी रेडुला प्रजेंट होता है, लेकिन यहां जो रेडुला होता है उसको सपोर्ट देने के लिए एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम होता है ओडोन्टोफोर, यानी इसकी जो बक्कल केविटी होती है उस बक्कल केविटी के अंदर रेडुला पाया जाता है, उसके ऊपर टीथ पाए जाते हैं, भोजन को कुतरने का काम करते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ओडोन्टोफोर पाया जाता है और कीमोरिसेप्टर यहाँ पर ओस्पिरिडियम पाया जाता है जो अंदर प्रवेश करने वाले पानी की रासायनिक जांच करता है। एग्जाम्पल देखिए, पाइलाय एप्पल स्नेल बोलते हैं उसको, एप्लासियर सी हेयर समुद्री खरगोश भी बोलते हैं उसको, और ट्रबिनेला भी इसी क्लास के अंदर आता है, ट्रबिनेला जो शंख मंदिरों में बजाते हैं वो ट्रबिनेला ही होता है, और हेलिक्स इसको लैंड स्नेल। अब दूसरी बात यह है कि गैस्ट्रोपोडा के जो जंतु है उसमें कौन से जंतु आते हैं, इसमें एक तो स्नेल्स आते हैं और एक स्लग्स आते हैं। स्लग्स और स्नेल्स दोनों में अंतर यह है कि जो स्लग्स होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है वो नहीं होता है, और जो स्नेल होते हैं उनके अंदर है वो सेल पाया जाता है। तो ये इनमें स्लग्स और स्नेल्स में अंतर होता है। तो ये गैस्ट्रोपोडा क्लास की करें। नेक्स्ट क्लास है, फिफ्थ क्लास है बाइवाल्विया। इस बाइवाल्विया क्लास का दूसरा नाम है पेलिसिपोडा, इसको लेमिली ब्रेंकिया भी बोलते हैं। तो तीन नाम है यहाँ पे, बाइवाल्विया, पेलिसिपोडा और लेमिली ब्रेंकिया। बाइवाल्विया यानी बाइवाल्व सेल पाए जाते हैं यहाँ पे। बाइवाल्व का मतलब होता है दो कवच, एक कवच जो कवच है सेल है उसमें दो वाल्व है, इस तरीके से ये एक नीचे वाला वाल्व होता है, यहाँ पर बीच में ये एनिमल होता है और उसके ऊपर दूसरा कवच होता है, इस प्रकार से ये जो कवच पाया जाता है, और ये कवच जो है सेल है वो यहां से हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़ा रहता है और उसके बाद में ये इस तरीके से बंद होता है और यहां से ये अपना फुट है वो बाहर निकाल लेता है। तो बाइवाल्व सेल पाया जाता है इसके अंदर, बाइवाल्विया नाम है इसका। ये मैराइन और फ्रेश वाटर, सबसे पहले जो अपनी क्लास पढ़ी थी मोनोप्लेकोफोरा उसके मैराइन थे, एम्फीन्यूरा उसके मैराइन थे, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था गैस्ट्रोपोडा उसके मैराइन थे, ठीक है। अब उसके बाद में ये आता है, इसके जंतु है वो मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी होता है। यहां पर हेड नोट डिस्टिंक्ट, हेड एकदम से क्लियर नहीं है यहां पे, इसलिए यहां पर आई टेंटेकल और जाज तीनों है वो अब्सेंट होते हैं, किसमें बाइवाल्विया के अंदर। रेडुला अब्सेंट होता है यहां पे। ये देखिए विशेषता, जो बाइवाल्विया क्लास है उसके अंदर रेडुला अब्सेंट है, यहां पर देखिए इसमें भी रेडुला प्रजेंट है, इसमें यहां पर रेडुला प्रजेंट है, तो एक ही क्लास है बाइवाल्विया जिसके अंदर है वो बाइवाल्विया क्लास है जिसके अंदर रेडुला अब्सेंट होता है। यहां पर जो फुट होता है वो वेंट्रल है, फुट वेंट्रल होता है और प्लग शेप्ड होता है, हल के आकार का होता है वो, एक्स शेप या हल के आकार का होता है फुट। गिल्स है यहां पर पेड़ होते हैं और प्रत्येक दोनों ओर एक एक होता है, वन ओवन ईच साइड। बरोज इन मड एंड सोइल, सॉरी सैंड, कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर जो कीचड़ है अंदर है उसके अंदर बिल बना करके ये रहते हैं बाइवाल्विया के जंतु, और ये हर्मोफ्रोडाइटिव होते हैं, और यहां पर जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोचिडियम या वेलीजर लार्वा होता है। तो इस तरीके से जो यूनियो है, एक एग्जाम्पल यहां पर अपन यूनियो भी लिख सकते हैं, यूनियो, तो ये जो ग्लोचिडियम लार्वा है वो यूनियो का होता है। तो ये एग्जाम्पल है पिंटाडा, पिंटाडा पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा जो मोती उत्पन्न करने वाला जो एनिमल है वो कौन सा होता है, पिंटाडा, वो इसी के अंदर पाया जाता है, माइटिलस ऑस्ट्रिया पेक्टेन और यूनियो, यहाँ पे लार्वा कौन से हैं, ग्लोचिडियम और वेलिजर लार्वा। तो ये बाइवाल्विया क्लास होती है। इसके बाद में लास्ट क्लास लेते हैं अपन सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा का मतलब कीफेल, का मतलब हेड, और पोडोस का मतलब फुट, इसके हेड के पास में इसका फुट होता है, फुट और हेड दोनों एकदम से पास पास में होते हैं, मोस्टली ये मराइन होते हैं। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो एनिमल पाए जाते हैं वो इसी सिफेलोपोडा क्लास में पाए जाते हैं, जिसे अपने यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, आर्किट्विटिस। आर्किट्विटिस ये 20 मीटर लंबा होता है, तो ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है।
शेल रिड्यूस्ड होता है, यहाँ पे जो कवच है वो रिड्यूस्ड होता है, हर्षित होता है। अब जो यहाँ पर जो सेल है वो बॉडी के बाहर भी पाया जा सकता है, तो एक्सटर्नल सेल बोलेंगे, पर उसको बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल बोलेंगे। और इस क्लास के कुछ जंतु ऐसे जिनमें सेल पाया भी नहीं जाता है, तो जो एक्सटर्नल सेल होता है वो नॉटिलस में पाया जाता है, इंटरनल सेल है वो सीपिया में मिलता है, और ऑक्टोपस में सेल है वो अब्सेंट होता है, कवच है वो अब्सेंट होता है। यहाँ पर हेड विथ लार्ज आई एंड माउथ, हेड के ऊपर है वो बड़ी सारी आंख पाई जाती है और माउथ होता ही होता है। फुट है वो मॉडिफाइड इनटू आर्म्स विच बियर सकर्स यूज फॉर स्विमिंग, यानी यहाँ पे जो फुट होता है वो इनके माउथ के पास में बड़ी बड़ी भुजाएं होती है, जो फुट होता है वो लंबी लंबी आर्म्स में, लंबी इस प्रकार से आर्म्स निकलती है बॉडी के ऊपर, और वो आर्म्स है उनके आगे क्या पाए जाते हैं, सकस चूसक पाए जाते हैं, ये यहाँ पे चूसक पाए जाते हैं। तो जो फुट होता है वो लंबी लंबी भुजाओं में रूपांतरित हो जाता है, और ये भुजाएं ये आर्म्स है वो स्विमिंग के काम में आती है, तैरने के काम में आती है। दो से चार पेयर इसमें गिल्स पाए जाते हैं, रेडुला यहां पर भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा डेवलपमेंट है यहां पर, डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। ये लास्ट जो क्लास है वो कौन सी, सिफिलोपोडा, और इसके एग्जांपल कौन से, नोटिलस, सीपिया और ऑक्टोपस, तो ये इसके एग्जांपल है सिफिलोपोडा के। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे मोलस्का की 6 क्लासें पढ़ी है, और 6 क्लासें जो है वो पहली क्लास अपन ने पढ़ी थी मोनोप्लेकोफोरा, उसके बाद में एम्फीलियोरा पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था गैस्ट्रोपोडा, फिर बाइवाल्विया, और उसके बाद में सिफलोपोडा। इस प्रकार से ये 6 क्लास इसके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से आर्थ्रोपोडा का जो करेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का जो अपना आज का टॉपिक था वो पूरा होता है। थैंक्स।